और अब बात करते हैं छतरपुर की, जहां मिशन रोशनी के तहत पीड़ित मानवता की सेवा के लिए नगर के प्राचीन प्रसिद्ध हनुमान टोरिया मंदिर पे स्वर्गीय सुकनलाल मातेले की पुण्य स्मृति में उनके बेटे अखिलेश मातोले और राजीव मातोले के द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। समिति के गिरजा पाटकर ने बताया कि शिविर की शुरुआत समाजसेवी अखिलेश मातोले ने हनुमान जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर की, जिसके बाद सदगुरु ने चिकित्सालय चित्रकूट से आए डॉक्टर देवमूर्ति पांडे एवं डॉक्टर अरविंद मिश्रा के द्वारा नेत्र रोग से पीड़ित करीब 250 मरीजों की जाँच की गई, जिनका इलाज कर दवाइयाँ और चश्मे वितरित किए गए हैं। वहीं इलाज के दौरान मोतिया बिंदु के लिए चिन्हित किए गए 40 मरीजों को चित्रकूट भेजा गया है, जहां उनका ऑपरेशन कर आंखों में नया लेंस डालकर रोशनी दी जाएगी। शिविर की खास बात यह रही कि शिविर के सहयोगी अखिलेश मातोले ने अपनी धर्मपत्नी मीलू मातोले के हाथों से न सिर्फ मरीजों के रजिस्ट्रेशन के बल्कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चित्रकूट जाने वाले मरीजों को अपने हाथों से भोजन भी कराया। आपको बता दें कि ये 12वें वर्ष का 6वां शिविर था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। विराट 24 न्यूज के लिए छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।